Assalamualaikum, dear students. This is the second part of the chapter number 6, negotiating access and research ethics. As you know that in the first part of this chapter, we already have covered the topic negotiating access, and today in part 2 of this chapter we will recover research ethics. Research ethics पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर दूँ कि बेसिकली ये चैप्टर के पहले हिस्से में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी. हमने पहले हिस्से में जहाँ पे नेगोशिएटिंग एक्सेस के हवाले से बात की जा रही है, हमने देखा था कि जब हमें डाटा रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों से, ऑनलाइन या फिज़िकल विज़िट के थ्रू, तो हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए. और फिर अगर हमें डाटा अच्छा रिक्वायर्ड और अच्छा डाटा हासिल करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो अडॉप्ट करना होगा. हमने इसमें फ़िज़िकल डाटा के हवाले से भी चीज़ें देखी थी, ऑनलाइन डाटा के हवाले से भी चीज़ें देखी थी, और उसके साथ साथ कॉग्निटिव एक्सेस यानी कि लोगों की परसेप्शन और व्यूज़ और ज़हनी राय जो है उसका लिहाज से डाटा जो है वो भी हमने देखा था. इसमें हमने सॉफ्ट डाटा की बात की भी की थी और हार्ड डाटा जो था उसके हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो देखी थी. आज हम जो है वो चीज़ें जो देखेंगे वो रिसर्च एथिक्स में, यानी कि जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिन लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह का डाटा हमें रिक्वायर्ड होता है, तो हमें कौन कौन से एथिक्स को जो है वो अपने जहन में रखना चाहिए और कौन कौन सी एहतियात हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि डाटा देने वाले और जिन लोगों से हम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और ना ही इस रिसर्च की वजह से कुछ हमें रिजल्ट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े. तो चलें हम देखते हैं कि रिसर्च एथिक्स के हवाले से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या है. द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ योर बिहेवियर इन रिलेशन टू द राइट्स ऑफ दोज हु बिकम द सब्जेक्ट ऑफ और आर अफेक्टेड बाय योर वर्क. इन सिंपल वर्ड्स कि हमने अपने बिहेवियर को एज ए रिसर्चर इस तरीके से अप्रोप्रिएट करना है, इस तरीके से बैलेंस्ड करना है कि वो लोग जो हमारी रिसर्च का सब्जेक्ट मैटर हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, जो लोग डाटा हमें प्रोवाइड करेंगे, उनमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल लोग हैं, जो उनकी परसेप्शन जो है या राय है वो जो दे रहे हैं, और किसी भी तरीके से उनकी इंफॉर्मेशन जो है हमारे तक पहुंच रही है वो फैक्ट ना हो और ना ही हमारे काम करने के तरीके से उनके कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े. लिहाजा इन सिंपल वर्ड्स रिसर्च एथिक्स के मुराद ये है कि जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से, तो हमने इस तरीके का बिहेवियर, एक बैलेंस बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना है ताकि लोग जब अपनी राय दें तो हम उसको राय को अख्तराम के साथ सुने भी और उसको सेव भी करें और उनकी प्राइवेसी जो है उसको हर्ट ना होने दें, उनकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उनको दूसरों के ऊपर जो है वो ज़ाहिर ना करें और उस मिलने वाली इंफॉर्मेशन को सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए और डाटा एनालिसिस के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. अगर हम इसको किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं या किसी को हाईलाइट करते हैं तो ये रिसर्च में अनएथिकल बात है. इसकी वजह से फ्यूचर में या ड्यूरिंग द रिसर्च हमें ये बड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग कॉग्निटिव रिसर्च डाटा जो है वो सही तरीके से फिर प्रोवाइड नहीं करते, वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं, केयर करते हैं और आपके साथ वो बात शेयर नहीं करते जो एक्चुअल होती है. फिर वो बात शेयर आपसे करते हैं जिसकी वजह से वो अपनी पर्सनालिटी को सेव कर सकें. बेशक जो आप डाटा आप तक पहुंचता है वो गलत होगा और आने वाले रिजल्ट्स जो हैं वो भी गलत होंगे. उसके बाद डेफिनेशन कवर करने के बाद हम आते हैं रिसर्च एथिक्स के हवाले से कुछ इश्यूज़ जो जनरल इश्यूज़ हाईलाइट होते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च डाटा कलेक्शन की तरफ वक्त, वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं. उनमें नंबर 1 जनरल इश्यूज़ अप्लाइंग टू टेक्निक्स,
सबसे पहली बात ये होती है कि जो डाटा हमने कलेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए प्रॉपर टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमें डाटा कलेक्ट करने की, डाटा तो कलेक्ट हो जाता है लेकिन कई दफ़ा अनएथिकल बिहेवियर जो है वो शो ऑफ होते हैं वहाँ पे। दूसरी बात जो है अवेयरनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स राइट्स। बहुत सारे रिसर्चर इस तरह के होते हैं कि वो डाटा तो कलेक्ट करते हैं, होते हैं, लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स के जो राइट्स हैं कि वो क्या राय देना चाहते हैं, कितनी राय देना चाहते हैं, कब उनके पास टाइम अवेलेबल है, इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो इंसिस्ट करते हैं कई दफ़ा पर रिसर्चर्स कि हमें अभी आप फिल करके दे दें, 5 मिनट में डाटा फिल करके दे दें, 10 मिनट में दे दें। तो इस तरीके से जब हम पार्टिसिपेंट्स की जो राय है उसको प्रेफर नहीं करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो इस तरीके से जो डाटा हमें मिलेगा वो भी इतना अप्रोप्रिएट और इतना मोटिवेटेड डाटा नहीं होगा ताकि जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। लिहाजा ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब भी हम डाटा कलेक्ट करना चाहें तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके राइट्स का ख्याल करें, जिस तरह वो कन्वीनियंट हों और जिस तरह से वो ईज़ फील करें उस तरीके से डाटा जो है उनसे लें, ताकि डाटा मैक्सिमम जेन्युइन हालत में और प्योर डाटा आपके पास आए, ताकि उसके ऊपर जो आप रिजल्ट्स और जनरलाइजबिलिटी का कंसेप्ट डेवलप करें वो बेहतर से बेहतर हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे कीपिंग टू द प्रोजेक्ट एम्स। बहुत से रिसर्चर्स जो हैं वो जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट एम्स के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी साथ ऐड कर लेते हैं, एमलेस कई दफ़ा हो जाते हैं, कई दफ़ा डायरेक्शन बदल जाते हैं, कई दफ़ा पर्सनल क्वेश्चंस पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो डाटा देने से अवॉइड करते हैं, या कुछ इस तरह का डाटा आपके पास आ जाता है जिसकी वजह से आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव तो हल नहीं होते लेकिन आपके पास और किस्म किस्म का डाटा आपके पास आ जाता है और आप अपने रिजल्ट के टारगेट जो हैं वो अचीव नहीं कर पाते। उसके बाद सेफ्टी ऑफ द रिसर्चर वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जब लोग अपनी कॉग्निटिव डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो लोग जो है वो अपनी राय को हमेशा सेफ तरीके से देना चाहते हैं, और उनका मकसद ये होता है कि जब हम राय दें तो इसकी वजह से हमारी जॉब को, हमारे कैरियर को या प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। लिहाजा जब भी एज अ रिसर्चर हम डाटा कलेक्ट करें तो वो अपने आप को भी सेफ करें और जो रिस्पोंडेंट है उसको भी सेफ करें। अगर रिसर्चर अपने आप को ज़्यादा रिस्क में डाल कर डाटा कलेक्ट करेगा तो मे भी कई जगहों के ऊपर जो है उसको नुकसान हो सकता है, लिहाजा ये अनएथिकल है कि आप अपनी ज़ात को नुकसान में डाल के, तकलीफ़ में डाल के जो है वो डाटा कलेक्ट करें। उसके बाद जो चीज़ है वो है मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोमिटी। हमें अपना डाटा जो है वो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक लेना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव जो है उनको मेंटेन करना चाहिए। जो डाटा हमें दिया जा रहा है, जो रिस्पोंडेंट हमें डाटा दे रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन हमें डाटा प्रोवाइड कर रही हैं, हमें उनकी कॉन्फिडेंशियल तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए और हर बंदे से शेयर नहीं करना चाहिए, ताकि जो रिस्पोंडेंट है वो फ्यूचर में जब आप डाटा लेने जाएँ तो वो आपके ऊपर इतमाद करे और आपको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करे। उसके बाद एनोमिटी है, जो उसमें भी हमें ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि जो रिसर्च डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी शनाख्त जो है वो आम बंदों के सामने ज़ाहर नहीं होनी चाहिए, कि कोई जवाब जो दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है और कहाँ का रहने वाला है, उसका जो है वो नाम, वल्दियत या उसकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, वो हाईलाइट नहीं होनी चाहिए, ताकि जो आपका रिस्पोंडेंट है उसको इस बात पे इत्मीनान हो कि मेरी ज़ाती राय जो है वो मेरे अपने कैरियर पे या मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं करेगी, और जो भी मैं बात करूँगा ये सिर्फ़ और सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी, इसका इम्पेक्ट मेरी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद जो है अप्रोप्रिएट इंटरव्यू बिहेवियर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू मेथड के थ्रू डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मेथड जो है इंटरव्यू का वो प्रॉपर एज ए इंटरव्यूअर होना चाहिए, ना कि हम वहाँ पे एज ए जज बैठ के अपने फैसले देना शुरू कर दें। हमें सिर्फ दूसरों की परसेप्शन और उनकी जो राय है उसका एहतराम करते हुए उनकी राय को नोट करना होता है, ना कि अपनी पर्सनल इंटरफेरेंस के थ्रू उनकी ज़रात के ऊपर या उनकी जो राय है उसके ऊपर इम्पेक्ट करना। लिहाजा एक प्रॉपरेट इंटरव्यू बिहेवियर हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और हमें सिर्फ करने चाहिए जवाब जो हैं वो रिस्पोंडेंट जो है जो अपने तरीके से जो बेहतर समझता है वो प्रोवाइड करेगा। अगर हम अपनी ज़ात या अपनी राय को ठोंसना शुरू करेंगे,
कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करना शुरू करेंगे तो डाटा जो है सही तरीके से हमारे पास नहीं आएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं डाटा कलेक्शन से। ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो इस्तेमाल होती है उसके अंदर भी हमें जब ऑब्जर्वेशन के तो एज ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर के तौर पे काम करते हैं बीइंग अ रिसर्चर, तो हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही करनी चाहिए, ना कि हम खुद इंटरवीन करके लोगों को जो है उसके बारे में अपनी राय पसंद या नापसंद का इजहार करें। जो ऑब्जर्वेशन हम करेंगे उसको प्रॉपर तरीके से कंडक्ट होना चाहिए और वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही होनी चाहिए, ना कि आपकी प्रेजेंस का लोगों के अंदर जो इम्पैक्ट आए और लोग अपने तरीके से जो है वो राय जो है वो बदलें। उसके बाद लास्ट वन जो इशू है वो है अंडरटेकिंग अ कवर्ड स्टडी। कवर्ड स्टडी क्या होती है कि जब आप किसी जगह पर रिसर्चर के तौर पे जाते हैं लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाईलाइट नहीं करते, आप उस ग्रुप में बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उस ग्रुप में से किसी बंदे को भी ये पता नहीं होता कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। आप एज ए रिसर्चर यहाँ बैठे हैं या वैसे हैं बैठे हुए वहाँ पे, लेकिन आप वहाँ पे एज ए रिसर्चर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कवर्ड स्टडी कर रहे हैं और आम ग्रुप को ये पता नहीं है, लेकिन आपको ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम आप ना करें, कोई अनएथिकल ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से बाद में वो ग्रुप जो है वो फील करे कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और हमें बताना चाहिए था पहले कि अगर ये कवर्ड स्टडी थी, या इस तरह क्वेश्चन जो है वो रेज़ नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कोई ना कोई इम्पेक्ट आए। लिहाजा जब भी आप रिसर्च करें तो कवर्ड स्टडी में ये बातें ध्यान में रखें कि कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी बात हाईलाइट नहीं होनी चाहिए जिससे जो रिस्पोंडेंट हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर या उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो हाईलाइट हो और उसके ऊपर जो है वो इम्पेक्ट आए। अगर ये चीज़ें जो हैं वो हम डिस्क्लोज़ करना शुरू कर देंगे तो उसके ऊपर जो है हमारे डाटे की क्वालिटी के ऊपर इम्पेक्ट आएगा। दूसरी बात ये है कि जब हम कवर्ड स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं एज ए रिसर्चर, तो हमें प्रॉपर कवर्ड स्टडी के अंदर ही रहना चाहिए। अगर हम उसको हाईलाइट कर देंगे या किसी तरीके से भी ये लीक आउट हो जाएगा कि वी आर एक्चुअली रिसर्चर, तो जो रिस्पोंडेंट है वो फिर बायस होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, लिहाजा हमें इस बारे में भी केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, पहले जब भी हमने इशू जो डिस्कस किए हैं वो तो हमने किए थे डाटा कलेक्शन के हवाले से, कि हमें एथिकल कौन कौन से इश्यूज़ जो हैं वो सामने होते हैं और हमें उनके किस तरीके से जो है वो केयरफुल होना चाहिए, जिसकी वजह से जो रिस्पोंडेंट है उसके ऊपर और हमारे अपनी ज़ात के ऊपर किसी किस्म का बायसनेस का इल्ज़ाम ना लगे। उसके बाद जब डाटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर दूसरी जिम्मेदारी जो आती है वो रिसर्चर की ये होती है डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के हवाले से। तो बीइंग अ रिसर्चर, पर्सनल डाटा मस्ट बी प्रोसेस्ड फेयरली एंड लॉफुली। जो भी पर्सनल डाटा किसी के आपके पास आता है उसको आप फेयरली प्रोसेस करेंगे और लीगली जो आपके पास राइट्स हैं उसके मुताबिक उसको कैरी ऑन करेंगे। नंबर टू, ऑब्टेंड फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस। जो आपने स्पेसिफाइड पर्पसेस अपने रिसर्च में रखे हैं, जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने एक्सप्लेन किए थे टू द रिस्पोंडेंट व्हाइल कंडक्टिंग द डाटा कलेक्शन प्रोसेस, उसके मुताबिक ही आप अपना डाटा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी के साथ जो है वो अदर पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते। नंबर थ्री, एडिक्वेट एंड रेलिवेंट। आपका डाटा जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट जगहों पर स्टोर होना चाहिए और पूरा डाटा होना चाहिए। गैर ज़रूरी डाटा और बहुत कम डाटा जो है दोनों सूरतों में आपकी रिसर्च के ऊपर जो है वो इम्पेक्ट आता है। उसके बाद आपका जो डाटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। पर्सनल डाटा मस्ट बी एक्यूरेट, अपडेटेड एंड कैप्ट सिक्योरली। नॉर्मली डाटा प्रोसेस होने के बाद जो स्टोरेज में जाएगा तो वो एक्यूरेट तरीके से स्टोर होना चाहिए, अपडेटेड डाटा के पास होना चाहिए और प्रॉपर सिक्योर प्लेस के ऊपर होना चाहिए। उसके बैकअप अवेलेबल होने चाहिए ताकि अगर एक जगह से डाटा कहीं डिलीट हो जाता है या खुदा ना खासा चोरी हो जाता है तो उसके मुकाबले आपके पास कोई और जगह अवेलेबल हो एज ए बैकअप, जहाँ से वो डाटा दोबारा लेके आप। डाटा प्रोसेस और स्टोरेज के बाद जो अगली चीज़ जो है वो है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। उसके हवाले से एथिकल पॉइंट्स क्या हैं, रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या हैं, उनमें नंबर वन जो है वो है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा बहुत सेंसिटिव होता है, बड़ा अहम होता है, लिहाजा उसको हमने जब एनालिसिस करने हैं तो केयरफुली इंट्रीज को लेना है ताकि हर तरह की राय जो है वो प्रॉपर तरीके से डाटा में रिपोर्ट हो और उसके प्रॉपर रिजल्ट्स जो हैं वो आए सामने निकल के। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी।
पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि आपके एनालिसिस जो है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और एनोमिटी होनी चाहिए, किसी की शनाख्त जो है वो ज़ाहर नहीं होनी चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन की शनाख्त ज़ाहर नहीं होनी चाहिए, किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन की जो है वो शनाख्त जो है वो ज़ाहर नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये काम करेंगे तो उसकी वजह से भी हमारी रिजल्ट्स को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, हमारे रिजल्ट्स के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की प्रोटेक्शन जो है वो हमें फ्यूचर रिसर्च के हवाले से बहुत अहम बेनिफिट दे सकती है। अगर हम रिसर्चर्स का एज ए रिसर्चर जो है पार्टिसिपेंट्स का इत्माद जीत लेते हैं एक दफ़ा, तो फ्यूचर में जब भी हमें कोई डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी तो ये बात जहन में रखें कि अगर आपने पहली दफ़ा जब रिसर्च कंडक्ट की थी उसमें तमाम एथिक्स को अपनाया था, पार्टिसिपेंट्स के राइट्स का ख्याल रखा था, उनके दूसरे इश्यूज देखे थे, उनकी पर्सनल लाइफ को मद्देनज़र रखा था, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो मद्देनज़र रखा था, उन्होंने जितनी आपसे गुफ्तगू की थी आपने उसको सीक्रेट रखा था, एज ए अमानत के तौर पे जो है लिया था, उसमें डिसऑनेस्टी नहीं की, उसको कहीं शो ऑफ नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम जो आप डाटा इकट्ठा करेंगे वो पहले से कहीं बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ ब्रीच करेंगे, कोई आपने जो प्रॉमिस किए हैं उनमें ब्रीच करेंगे, डाटा लीक आउट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो आपको डाटा मिलेगा अव्वल तो बहुत कम चांसेस हैं आपको डाटा मिले, अगर मिलेगा भी तो वो प्योर और जेन्युइन डाटा नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बायसनेस आ जाएगी और उसकी बेसिक रीज़न ये होगी कि आपके रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो फेयर का शिकार होंगे। लिहाजा आपने हमेशा कोशिश करनी है व्हेन कंडक्टिंग द डाटा कलेक्शन प्रोसेस कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करें हर तरीके से, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। लास्ट वन, एथिकल यूज़ ऑफ डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स। आप अपने डेटा के एनालिसिस और कंक्लूजन्स को एथिकल लेवल पे रखें। बहुत सारे रिसर्चर्स में ये होता है कि जो डेटा आपके पास आता है उसके एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स कई दफ़ा ठीक नहीं आते, लेकिन हम उनको सही साबित करने के अंदर उनके अंदर मैनिपुलेशंस करते हैं, उसके अंदर चेंजेस ले आते हैं, उसके बाद कंक्लूजन बदल देते हैं ताकि हमारी रिसर्च जो है वो सही प्रूफ हो जाए, उसके रिजल्ट सही आ जाएँ, तो ये अनएथिकल है। आपके पास जो डाटा जेन्युइनली आया है जिस सही तरीके से या सही प्रोसेस के बाद आपके पास पहुंचा है, आप उसको उस डाटे को जनरली उसके एनालिसिस करें, उसकी गलतियां जो हैं उनको उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अमेंडमेंट्स ना करें, अपनी ज़ाती डाटा इंटर करने की कोशिश ना करें। अगर आप अपना ज़ाती डाटा इंटर करेंगे, सब कुछ करें अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तो जो कंक्लूजन आएगा या रिसर्च की आउटपुट होगी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बेसिकली फिर ये सारा का सारा रिसर्च प्रोसेस ही बेकार चला जाएगा। अगर आप जनरली चाहते हैं कि आपकी रिसर्च का जो डाटा है वो जेन्युइन आपके पास आए, तो पार्टिसिपेंट्स का ख्याल करें, एथिक्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें, हर एक की राय का एहतराम करें, और उसके बाद जब डाटा आपके पास आ जाए, स्टोरेज हो जाए, तो उसको फिर ईमानदारी के साथ जेन्युइनली ऑनेस्टली उसका एनालिसिस करें और जो प्रॉपर रिजल्ट्स आपके पास निकल के आते हैं उसके मुताबिक उन रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर दें। अब उन जब रिजल्ट्स को आप रिपोर्ट करेंगे तो उसके मुताबिक जो है लोग उस स्टडी को देखेंगे और उसके ऊपर राय कायम करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से डाटे को तोड़ मरोड़ के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, इस तरह की रिसर्च जो है उसका फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होता और वो रिसर्च जो है बेकार रिसर्च कंसीडर होगी। सो दिस इज़ द चैप्टर 6। हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कवर किया है। इस पर एक पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने रिसर्च डाटा कलेक्शन निगोशिएटिंग एक्सेस के हवाले से देखा था कि हमने फिज़िकल डाटा कलेक्ट करने के अंदर क्या क्या चीज़ें इश्यूज़ हैं और उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कॉग्निटिव डाटा कलेक्ट करते हुए क्या इश्यूज़ हैं और उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके बाद ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करने के हवाले से क्या क्या इश्यूज़ होते हैं और उसकी फिर क्या स्ट्रेटजीज़ हैं। आज हमने इस टॉपिक के अंदर जो कवर किया है हमने देखा है कि क्या कौन कौन से एथिक्स जो हमें मद्देनज़र रखने चाहिए फॉर कलेक्टिंग द डाटा, और अगर हम उनमें प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करेंगे और एथिक्स को अपनाएंगे नहीं तो हमें फ्यूचर में और प्रेजेंट रिसर्च में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती हैं, बायसनेस पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे कि हमारी रिसर्च के रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। लिहाजा एथिक्स के ऊपर फोकस करेंगे तो अच्छा डाटा हमारे पास आएगा और फ्यूचर में भी बेहतर मिलने के चांसेस होंगे। अगर हम एथिक्स का ख्याल नहीं करेंगे तो बायसनेस
डेवलप होने के चांसेस बढ़ेंगे पार्टिसिपेंट्स के अंदर, आपको एक्सेस हासिल करने में डाटा प्रॉब्लम आएगी, और अगर जो एक्सेस हो भी गई तो जेन्युइन डाटा मिलने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो इंशाल्लाह ताला सैंपलिंग और सैंपलिंग टेक्निक्स, टाइप्स और स्ट्रेटजीज के ऊपर जो